बात खत्म हो गई जी। यहाँ ये मौलाना साहब अलम और जुलूस जंजीर मेहंदी हजरत कासिम पर इतराज़ क्यों हो रहा है जी? अज़ादारी सैयद उशदा हर कल्चर हर तहजीब अपने हिसाब से करती है, सोग मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात चीज़ें आप जब मनसूब करेंगे ना अम्मा की तरफ, उस पर ज़रा सोच समझ कर करें। यही बात जनाब कासिम के बारे में मैंने अर्ज़ की है कि मेहंदी जो है ये हमारा रस्म व रवाज है अक्सर, ठीक है अरबों भी होती होगी, लेकिन आप सोच सकते हैं कि इमाम हुसैन सलाम को उस वक्त मेहंदियों का ख्याल था, 3 दिन के प्यासे, शहजादियों के पास पानी नहीं है, तो क्या ये सोचा जा सकता है? और अगर कोई फिर इमाम हुसैन सलाम की सुन्नत में कोई साथवी को मेहंदी लगाए अपने बच्चे को तो हराम हो जाएगा। अगर 10 मुहर्रम को शादी करता है कोई आदमी अपने बच्चे की हुसैन सलाम की सुन्नत में तो वो गलत कर रहा है। वो क्या फजूल बातें हैं, यानी किसी ने की भी है डॉक्टर असरार ने, तो कहने का मकसद ये है कि आप सोच समझ कर बात करें। हुसैन उस वक्त गम में मुबतला थे, आप खमखा ऐसी वो बातें जो किसी किसी गम वाले बंदे में सोच भी आती है, फिर जबकि मौजूद है कि फातिमा कुबरा के शौहर जो हैं वो करबला में मौजूद थे, इमाम हसन साहब की नस्ल ही इनसे चली है, 2 बेटों से चली है, एक 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 हसन मुसन्ना से चली है, बड़े बेटे थे इमाम हसन साहब के, उनकी गर्दन कट गई, बाजू कट गया, उनके रिश्तेदारों ने बचा लिया और उसके बाद जो है वो अल्लाह ने बचा लिया, उनको उठा कर ले गए, नस्ल चलनी थी। फातिमा कुबरा के शौहर थे वो, बाद में शादी नहीं, पहले से शादी थी, और ये शादी जब हो गई और शौहर मौजूद है जिंदा है, यार कुछ ख्याल करो। अगर अगर गलत इख्तलाफ भी हो, मैंने अर्ज किया है इस रिवायत के बारे में, तो भी आइम्मा की गैरत पर हमला ना करो प्लीज, उनको उनको कम से कम उनकी गैरत का तो ख्याल रखो। किसी खानदान में ये जुमला अदा नहीं होते, और इस पर गौर कीजिए। मैं जल्दी जल्दी मैंने कह दिया है अलम होना चाहिए, हमारा निशान है, लेकिन सजदे नहीं होने चाहिए, जुलूस हतमन होना चाहिए, अकलमंदों का तरीका है पैगाम देने का, कोई इनकार नहीं करता, लेकिन जुलूस को ऐसे होना चाहिए जिसमें पैगाम मिले, नहीं है कि आपको कोई लगे भी कल्ट जा रहा है और ऐसी हरकतें कर रहा है जिसमें जुलूस होता है। मैं भालपुर में नमाज पढ़ाने के लिए गया, एक तरफ गुजरा तो जनाब वो गतका खेल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है ना वो, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये शियों का जुलूस है? कहने के नहीं, इससे आगे वो सुनी होगा था, अब वो भी जुलूस निकालते हैं और बिल्कुल खेल कूद लगे हैं जनाब, ऐसे जैसे कि वो कोई कोई नुहा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल मैं अपने आंखों से बात कर रहा हूँ, मैं किसी की रिवायत नहीं कर रहा, लोग निकालते हैं। होते हैं मुज्तहिद का फतवा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा जो नहीं हो रहा अभी, अभी होता है कि कोने नहीं मिलिए नहीं करते, आजकल वो दूसरे से करते हैं, ये कोने में करते हैं, अगर करते हैं तो मुज्तहिद की बात नहीं सुनते। अब इसको मैं एक और मतलब बताता हूँ, सही शहीद मुतरी लिखते हैं ताहूत के तर्जमे में लिखते हैं, कहते हैं कि हमने आयतुल्ला बरुजर्दी ने बुलाया कुम के आस्थानों वालों को, बुलाकर कहा कि किसकी तकलीफ करते हो? कहने लगे कि आपकी करते हैं। कहने लगे फिर जो आप आशूर को हरकतें करते हो मेरे फतवे के मुताबिक नहीं है, शहीद मुतरी लिखा है वाक्य। अब जब शहीद जब मुज्तहिद ने कहा तो चुप करके बैठ गए, कोई नहीं बोला, एक बोला आदमी, कहने लगा 364 डेज पूरा साल हम आपकी तकलीफ करते हैं, एक दिन आपकी नहीं करते। अब जब आदमी मुंह जोर हो जाए तो गलत बात जो गलत है ना, ये कोई न किसी इमाम ने किया न कोई मुज्तहिद करता है, ये हमने खुद करते हैं कामत नहीं करने का, ये जिद में करते हैं। कुछ ग्रुप है मैं बता रहा हूँ आपको, सईद खामनाई ने मना किया इससे, और ये जिद में करते हैं किया, और कहीं सईद खामनाई पर लानतें भी होती हैं। मुझे एक आदमी ने शिकागो में एक लीफलेट दिया है, पंफलेट दिया छोटा सा, कहने लगा ये ले लीजिए ज़रा इसमें, चूँकि मैंने ज़रा तकलीफ पर बात की तो कहने लगे, मैंने पढ़ा जाकर घर जाकर लिखा हुआ सईद खामनाई ये जो है ना अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है उसके एजेंट हैं। हमारे यहाँ जो चल रहा है ना सिलसिला, अगर मुज्तहिदीन की बात सुनी जाए, अब ईरान में कहीं नहीं होता, ईरान में भी तो शिया हैं, इराक में हो रहा होगा, क्योंकि इराक में कुछ लोग हैं जो ईरान के मुखालिफ हैं, वो इसको तरवीज दे रहे हैं, पहले था ये भी मैंने पहले मैंने कहा ना पहले था, अब उसको रोका जा रहा है और उलमा रोक रहे हैं, जहाँ जहाँ उलमा की हुकूमत सुनी जाती है वो रोक रहे हैं।
ये देखो ना, एक 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 आप सुनाएं, आप यहाँ कनाडा में रहते हैं, यहाँ अपने लड़कों को तलवार मारें जरा। ये दुनिया है, पूरी दुनिया को अपने मैसेज देना है। उन्होंने उसी को फोटो लगाया। मैं उस साल इधर था या अमेरिका में था, मुझे याद नहीं है। तो सोच समझ कर बात करें, मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। ये कोई मुजतहदीन रोकते रहें तो कौन सुनता है? जब आदमी अपनी मर्जी पर चलता है तो कौन सुनता है? मुजतहदीन आ खामने मना फरमाया काम अजानी से।